दोस्तों होस्टेड एडसेंस अकाउंट और फुली फंक्शनल एडसेंस अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और फुली फंक्शनल एडसेंस अकाउंट के लिए आपको किस तरह से जो है अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों इसी विषय में जो है आज हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। दोस्तों वैसे तो आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको एडसेंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं, ईमेल आए हुए हैं। तो ठीक है, अभी इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो जो है ये भी बना दिया जाए, क्योंकि एडसेंस अकाउंट दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है एडसेंस अकाउंट जस्ट होस्टेड अकाउंट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है फुली फंक्शनल। दोनों में ही बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जो अगर बात करें होस्टेड अकाउंट की, तो वो अकाउंट जो है सिर्फ यूट्यूब चैनल के साथ ही एसोसिएटेड होता है, यानी कि होस्टेड अकाउंट अगर लिखा हुआ है तो वो जो है चैनल आपको जो है एडसेंस अकाउंट जो है सिर्फ आपके यूट्यूब के वीडियोस पे ही एड जो है सर्विस करता है। वहीं पे आपको जो एड यूनिट आप क्रिएट करते हो तो आपका अगर वेबसाइट्स पे लगाते हो तो वहां पे वो काम नहीं करेगा। सो वहीं पे अगर फुली फंक्शनल की बात करें, अगर फुली फंक्शनल जो है अगर एडसेंस अकाउंट आपके पास है तो फिर आप जो है अपने वेबसाइट, ब्लॉगिंग या एंड्रॉइड ऐप वगैरह पे यूज कर सकते हैं। और फुली फंक्शनल एडसेंस अकाउंट में जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो है हमें एक जो है वेबसाइट चाहिए होती है, खुद की वेबसाइट चाहिए होती है जिसको हमने जो है पूरा अच्छे से डिजाइन करवाया होना चाहिए। उसमें वेबसाइट का जो लिंक हमें डाल के जो है अप्लाई करना पड़ता है। किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो प्रैक्टिकल हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज जो है बेसिकली जिनको मालूम है कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, अगर आप जाते हैं साइन अप वगैरह करते हैं तो नेक्स्ट करते जाएंगे आपसे जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो जो पूछता जाए वही आपको डालते चलना है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान है। और रही बात यहाँ पे वेबसाइट क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एडसेंस अकाउंट जो फुली फंक्शनल होता है वो अकाउंट जो है वो आपकी वेबसाइट्स वगैरह की, जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं पर्सनली होस्टेड जो हैं, वहां पे जो है एड सर्विस के लिए जो है यूज किया जाता है। सो यहाँ पे फुली फंक्शनल अकाउंट को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसीलिए हम इसे जो है वहां पे वेबसाइट की एक यूआरएल मांगा जाता है कि आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है कि आपकी कौन सी वेबसाइट है जिसपे जो है आप ये जो भी यहाँ पे आपको अप्रूवल देंगे, जो भी आप एड जो प्लेस करेंगे वो कौन सी वेबसाइट है जिसपे आप ये करने वाले हैं। एक बार अप्रूवल के लिए आपको एक वेबसाइट पे ये अप्रूवल अगर मिल जाता है, उसके बाद जो है आपको जो है जितनी भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे उन पे जो है आपको इजीली सारी सिर्फ आपको उनके यूआरएल ऐड करने हैं और वहां पे एड सर्विस होना चालू हो जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि वेबसाइट जो है हमें जब भी एडसेंस अकाउंट के लिए हमें अप्लाई करना है तो हमें कुछ चीजों का जो है ध्यान रखना है हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो जो डिजाइन है वो इस तरह का होना चाहिए कि बहुत ही सिस्टमेटिक, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें कोई इस तरह का नहीं कि कुछ भी चीज कहीं पे भी घुसा रखी है आपने, कोई भी चीज कहीं पे भी लगा रखी है, तो ऐसा नहीं, खिचड़ी नहीं पकी होनी चाहिए। कहने का मतलब डिजाइन जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो वर्डप्रेस में बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम्स मिल जाती हैं, फ्री वाली थीम्स भी बहुत सारी हैं, तो आप उनमें से भी कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि अबाउट अस का जो सेक्शन है वो आपको आपकी वेबसाइट में लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको उसमें जो है कंप्लीट डिटेल देनी है अपने बारे में कि ये जो वेबसाइट है वो क्या कर रही है, किस तरह से है, अपने बारे में डिटेल देनी है, आप कौन हो, कहां से बिलोंग करते, किस तरह से आपने जो ये स्टार्टअप किया, मतलब आपके बारे में और इस जो आप कंपनी जिसके जिस भी नाम से आप वेबसाइट चला रहे हो उस वेबसाइट में क्या बेसिकली काम करते हो आप, वो जो डिटेल है आपको अबाउट अस में जो है वो डालनी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉन्टेक्ट अस आप दोनों चीजों से दे सकते हैं, एड्रेस डिस्प्ले करके भी, वहां पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देके भी, या फिर एक जो है इंक्वायरी फॉर्म जो है वो डाल के भी आप जो है कॉन्टेक्ट अस का पेज रेडी कर सकते हैं, जिससे जब भी गूगल की टीम जो है आपकी वेबसाइट पे विजिट करके जो एनालाइज करे तो उसको जो है आराम से पता चल जाए कि अच्छा आप जो है बहुत ही सही काम कर रहे हो, कोई भी आप फ्रॉड करने की जो है ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो इस वजह से जो है आपको जो है कॉन्टेक्ट अस भी वहां पे डाल के रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो साइट मैप जो है हर वेबसाइट पे होना बहुत ही जरूरी है। जब आप एडसेंस के लिए स्पेशली अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है साइट मैप के जरिए जो है आप, साइट मैप एक इंडेक्स पेज की तरह काम करता है, एक नेविगेशन की तरह काम करता है
कि आपकी वेबसाइट पे अगर किसी को कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्या क्या चीजें हैं आपकी वेबसाइट में, वो कंप्लीट डिटेल जो है आपकी वेबसाइट में कितने पेज हैं, कितने लिंक्स हैं, कहाँ से जो है सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो सारी चीज जो है वो डिटेल मिलती है आपके साइट मैप से। सो ये साइट मैप जो है होना बहुत ही जरूरी है। गूगल इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देता है कि आप अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कितनी इजीली अपने कंटेंट्स को कितनी इजीली जो है सर्च कर पाता है, तो जो है साइट मैप का यही यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। उसके अगर मैं बात करूं तो प्राइवेसी पॉलिसी में आपको जो है डिक्लेरेशन देना है कि आप जो है यूजर जितने भी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, अगर आप उनका कोई डेटा सेव कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो, तो उनके साथ जो है आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, वो सारी डिटेल जो है आप किसी के शेयर करने वाले हो। अगर वो आप स्टोर करके रख रहे हो तो सिक्योरिटी के पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको देना होता है एक डिस्क्लेमर सेक्शन। डिस्क्लेमर सेक्शन में बेसिकली आपको ये चीजें डिफाइन करनी है कि आप जो ये वेबसाइट के ऊपर जो भी आप अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग या वीडियो है तो वीडियो, ये जो कंटेंट डाल रहे हो बेसिकली वो कंटेंट जो है कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, आप जो है इसमें आपको बताना है कि आप जहां जो भी कंटेंट इस वेबसाइट पर डाल रहे हो वो किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड की इमेज को या किसी को भी मिसलीड करने के लिए यहां पे नहीं डाला जाता है। इस वेबसाइट पे जो है बेसिकली एजुकेशन पर्पस से जो है कंटेंट जो भी है वो डाला जाता है। तो ये चीजें जो है आपको काफी अच्छे से डिक्लेयर करनी होती है, साथ ही साथ आपको बताना होता है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक इस पर डाल रहे हैं तो वो आप क्यों डाल रहे हो, राइट, उस पे जो है अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो उसमें जो है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गूगल की जो एड आप सर्विस करने वाले हो, तो एड जो है बेसिकली गूगल की जैसे ही आपके पास है वेबसाइट पे एक्टिवेट होती है तो वो जो है कुकीज का इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीजें डिक्लेयर करनी है। इस तरह से और भी अगर कोई कंटेंट जो है आप वहां पे यूज कर रहे हो तो आपको जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वहां पे अपने डिस्क्लेमर के अंदर जो है वो चीजें लिख देनी है। सो अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट, यानी कि जब भी आप अपने एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करें तो आपको जो है अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट रखना है। और मिनिमम जो है जब आप अप्लाई करें अपनी वेबसाइट एडसेंस अकाउंट के लिए तो आपकी वेबसाइट में मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 आपके पोस्ट होने चाहिए, जो कि एक रेगुलर टाइम फ्रेम के बाद होने चाहिए। और रेगुलर टाइम फ्रेम भी ऐसा नहीं कि एक साल पहले डाला था फिर दूसरे साल डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी मतलब बनी होनी चाहिए, महीने में 2 या महीने में 4 या महीने में 10, इस तरह का कुछ भी एक कंटिन्यूटी महीने के अंदर आपकी, हर महीने के अंदर, हर वीक के अंदर कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी जो है वो उस पर होती रहनी चाहिए। सो यही सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और वेबसाइट के डिजाइन को स्पेशली ध्यान में रखना है कि कितने इजीली और कितना नीट एंड क्लीन आप वहां पे कंटेंट बना के रखते हो। सो अभी मैं आपको बताता हूं कि होस्टेड अकाउंट आपको कैसे पता चलना है चलेगा कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो होस्टेड अकाउंट है या फुली फंक्शनल अकाउंट है। उसके लिए मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा गूगल के एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करके। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे लैपटॉप पे और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि होस्टेड अकाउंट में किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जो है फुली फंक्शनल अकाउंट जो है वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो दोस्तों आ गए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जो है अभी यहाँ पे हम गूगल के अंदर लिखेंगे एडसेंस। तो एडसेंस लिखने के बाद जो है हमें यहाँ पे एडसेंस के जो लॉगिन यूआरएल है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हमने साइन इन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो होस्टेड अकाउंट है वो किस तरह का दिखता है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद जो है हमें गूगल के एडसेंस में जो है रिडायरेक्शन मिल जाएगा और ये हम आगे हमारे एडसेंस अकाउंट में। बेसिकली ये जो एडसेंस अकाउंट है ये मेरे एक चैनल से रिलेटेड है जो कि यूट्यूब पे मेरा सेकंड चैनल है, लेकिन अभी उस पर जो है मैं पिछले 2-3 महीने से जो कुछ काम किया नहीं है इसलिए वो ऐसे ही पड़ा हुआ। आइडियल उस पर भी काम करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरा जो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है रेड कलर के अंदर होस्टेड अकाउंट। सो ये होस्टेड अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होस्टेड अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ ऐड सर्विस करेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये मेरे वेबसाइट पे जो है ऐड सर्विस नहीं करेगा। सो अगर मैं बात करूँ फुली फंक्शनल अकाउंट की तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉग आउट और चलता हूँ मेरे फुली फंक्शनल अकाउंट में जिसमें जो है हम पूरी मेरी वेबसाइट्स वगैरह पे या ब्लॉगिंग वगैरह पे जहाँ पे भी है हम जो करते हैं ऐड वगैरह सर्विस लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और मेरा जो है दूसरा चैनल जो है दूसरा जो मेरा अकाउंट है एडसेंस का उसमें कर लेता हूँ लॉगिन।
तो ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से जो है यहाँ पे आपको इस तरह में देखने को मिल रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है होस्टेड अकाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है होस्टेड अकाउंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा अकाउंट है ये पूरा फुली फंक्शनल अकाउंट है, जिसमें जो है मेरी वेबसाइट्स वगैरह पे, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, कहीं से भी ब्लॉग के साथ, सभी जगह जो है मैं यहाँ से ऐड सर्विस ले सकता हूँ। सो दोस्तों, आई होप कि आपको डिफरेंस पता चली गया होगा कि एडसेंस का जो है होस्टेड अकाउंट में क्या होता है और एडसेंस में फुली फंक्शनल में क्या होता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा किस तरह से जो है एडसेंस अकाउंट काम करता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से अपनी पूरी वेबसाइट को जो है अप्लाई करते वक्त सारी चीजें अपडेट करके रखनी है, और जो है उसके बाद ही आपका जो अपडेट हो पाएगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिल पाएगा। अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम अप्लाई करते हैं उसके करीब हो सकता है, कई बार तो एक हफ्ते के अंदर ही आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है, कई बार 2 महीने भी लग जाता है, कई बार 4 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ जो है आपका कहीं ना कहीं वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट हुआ तो वहां पे आपको जो है रीजन के साथ में रिजेक्शन मिलता है कि आपकी वेबसाइट पे ये चीजें जो है हमें कमी कम मिली है, ये चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है गाइडलाइन के हिसाब से, गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से एड सर्विस के लिए। सो वो सारी चीजों को आपको वापस रेक्टिफाई करना है और फिर जो है आपको वापस रीअप्लाई करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको सारी डिटेल जो है वो क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपको जो वीडियो है जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी ये लेके आते ही रहेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।